और बेटा इंद्र कुमार उनको ही बोलवा कर ले। देखो वोट गिरवे ले, अरे नहीं वो अपना हक हिस्सा की कहानी सुन तो लेगा। गांव में घिनवा घिन कर वो भैर गांव भाई कुछ नहीं जाए के मालिक घोड़े में समझा दे। नहीं नहीं अभी बोलवा कर ले। बड़ा जलूम वाला बात भागले ए बारके मालिकान आ छटके मालिकान अपन अपन धिया पुता के लेने आइया जागो भेल होतो। हम अपना धिया पुता के बोले ली बोला लो कहा है तेरा धिया पुता। आ छै ता हमरा धिया पुता छै नै बता तू कहा है। तोर सब सर्विसिया छियै सब पढ़लकै लिखलकै स्कूल से निकल निकल सब सर्विस करै छै। कहाँ है बताओ ना। एगो हे कदीमा लग बैठल ये तुम्हारा लड़का था हमें कुछ बिगाड़ लिए मास्टर साहब छे। देखो रेपिया उतार तू कहा मेरा लड़का है। अच्छा देखो लड़का छे लड़की छे है तो लड़का हे बजा दोनों माय बेटा को बोलबै पंचायती भेल मुखिया सरपंच सब आयल आ एगो मोबिल साहेब आयल रे हम ज्यादा देखै छी। तुम कहा मोबिल साहब हमरा गाँव में ओनाही कहबे करै छै। मौलवी साहब कहता कि मोबिल साहब। हाँ हाँ मौलवी साहब मौलवी साहब एक बार और पर्ची सुनाइए। देखो ये कहता राज जिस टाइम पांच वर्ष का अल्लाह था उसी टाइम मैंने राज बनारस में बोला राज अमरपति अल्लाह के नाम से रजिस्ट्री करवाया था। उस टाइम रुदल को जन्म नहीं था वह तीन महीना की अपनी माँ की गर्भ थी। मुझे पता नहीं था कि रुदल अपनी माँ की गर्भ में है। मैं अनजाने में राज बचाने के लिए उत्तराधिकारी अमरपति अल्लाह सरदार को नाम से रजिस्ट्री करवाया। ठीक है चाचा जी आप अपने राज बनारस की यात्रा कीजिए। चाचा जी आ रही मेरी रे रुदला रे आ रही पापा मेरा राज राज बाबा बड़े दादा अमरपति अल्लाह सरदार के नाम से है। अब तीनों प्राणी राज बाबा खाली करके राज से विराज चलो क्योंकि रुदल सम्राट
हम भी लड़का है और मैंने कसम खाया हूं। धीरज ही बता, इस राज के राजा होगी फिर भी इस राज में वो किस्सा कुछ नहीं। हाँ बेहरानी थोड़ा, इस राज में कोई हिस्सा नहीं है और रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। राज महबा खाली करके चलो। रुदल सिंह। हाँ दादाजी। क्या हुआ? मैं राज महबा खाली करके जा रहा था, होगा क्या? जब मैंने प्रण ठान लिया था जिसके नाम से राज महबा होगा वही राज महबा का राजा होगा, ऐसा जिसके नाम से राज महबा नहीं होगा राज महबा खाली करके चला जाएगा। टूटी की ये राज महबा के जितने वस्तु है और ये क्या तमाशा देखते हो? ठीक है महाराज, अभिलम्ब राज महबा से इनको खाली करवा कर बेबस्तरी करके ही भेजो। हे भाभी सुना, ये क्या कर रही हो? भाभी सुना, आहो पापा नहीं यही दिल को देबार, आहो मोहबा यही राज, आहो कुछ नहीं जाई देब यही नगर मोहबा। Ah!
नागर मोहबा मैं पैर पकड़ती हूँ। मैं इस राज में हमारी नवरी बना के रखा मैं रहूंगी। मैं ऐसी हालत में मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। ये उतारती हो या नहीं, तेरा क्या बात किया है? चल जल्दी बात आए काला जोड़ी करिया दीदी नदी तो ये साड़ी को बदल ले और ले इस साड़ी को पहन। जल्दी खोल ले मेरे आगे। आगे लाजो नहीं रमुआ के आला गौ गई तुहार पर जई रही उगे नागर मोहबा आ गई पर जलना मानी फुला चलही आज उगई हमार आहे कफिले प्याजा दिया करा
रानी फूला बाटे जब राज बाबा से निकल चुका हूं तो चलो यहां से दूसरे राज का यात्रा करता हूं। ठीक है महाराज, चलो निजाने के लिए तैयार। चलो महाराज आ कैसा नाति पति आ रही दैबा पर ले हो बाबू रूदाला आ चल 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 आई रनिया महाबासया को ना ठिकाना बाबू मेरा नाम गुरु अमरा है। मैं इस वन बबरी में तपस्या करता हूं। यहां सिंह सदुल बाग का बसेरा है। तो आज मैं एक चेला को ढूंढता हूं, कहीं चेला मिल गया तो मैं उसे चेला बनाकर तपस्या में लीन हो जाऊंगा। तो चेला बनने वाला अगर कोई मिल जाए तो मैं चेला बनाकर उसे गुरु शिक्षा देकर तपस्या में लीन हो जाऊंगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि।
हरी हरी बोलो अरे कोई चेला बनने वाला है रामदास रे लगता है कि कोई चेला बनने लायक नहीं है क्योंकि यह कलयुग है क्या किया बाबा अरे मैं एक महात्मा हूँ मैं महात्मा कहता हूँ तो तू कहता है जात के तत्मा हाँ साधु हूँ साधु संत जानते हैं यहूदा साधु नहीं अरे अभी तो बहुत पानी आया है धान बहुत कम हुआ है कल हम धान के बिरार गिरे लिए अब आज तो चेला बनेगा वाला नहीं तब साधु संत के साथ में चेला बनता है झोला कमंडल टांगता है अच्छा अच्छा भोजन मिलता है अच्छा हाँ हाँ तब बनवा हुआ बनेगा हाँ हमारा घर में हाथ में क्या है कालिया जाए को बाबा जी मिलता है जोर साथ में चल भंडारा कमंडल ले ले रे बहुदा ये कमंडल है कि चप्पल है कमंडल चप्पल है बहुदा कभी आंख नहीं दिखा है कमंडल जिन है नहीं छो नीचा रखो तो नीचा ये कमंडल है कि चप्पल है तुमको लखा नहीं देता है घर भर में लिए घर भर में क्या चीज का घर भर हुआ पहल के घर में लड़ाई झगड़ा भले बात बैठ गले कहल के भर सौन हमारा होते भर भादो तोरा हो तो अपन अपन जन्मा बस हम गोसाए गए इसी से गोसा से चप्पल लेके भाग गया कमंडल समझ के हाँ ये कंधा पर क्या रखा कमल ला लिए दिखाओ तो ला लिए बाबा समय कुछ समय के देख ले लोग गिरता है रे बेहुदा ये कमल है कि घंगरी है तुम्हारे घर वाली को बाबा हटा इसको बेहुदा गांती है बाइन लगे और ये बेहुदा इसमें बीमारी होता है आए ना हाँ इसमें बहुत बड़ा बीमारी होता है की भाई जाए अरे साड़ी के भीतर पहना जाता है इसमें बीमारी है बेकार ले लिए अच्छा बाबा अब ठीक हो देखो गुरु मंत्र सीख लो चेला बन जाओगे अलगात हाँ एक ही गुरु मंत्र है अगर वह सीख जाओगे तो चेला बन जाओगे अच्छा बाबा हमारा सीखवा चलो बैठो रे बेहुदा बैठने की भी तमीज नहीं है फैल से बैठ लिए बेहुदा कहीं का फैल से देखो गुरु मंत्र बहुत छोटा सा है अच्छा पढ़ लो मंगल मंगल राम पिया राम पिया राम जय जय राम मंगल भवन नया
बेहुदा हम कह मंगल भवन मंगल हारी दरबहु दशरथ अवध बिहारी तू कह बंद भल दारू पिय बाबा तारी ये कौन सा रामायण लिखा रामायण बाप जी भी कर पढ़ लो तू पढ़ा है ना रामायण तो एक देख लो कौन सा रामायण में लिखा है बता तो क्या रामायण जाने राम चरित्र मानस सुख सागर रामायण गीता उपदेश श्री पुराण वाल्मीकि रामायण और सुगर कांड अरे तो राम चरित्र मानस में सुगर कांड नहीं सुंदर कांड बोलो अच्छे पढ़ लो क्या कुकरम कांड बेहुदा कुकरम कांड तब तो की पढ़बो ओमे देखो न खानदान का खानदान मिले खानदान का खानदान हम तो ऐसा ऐसा भजन जानते तुम कभी आँख नहीं देखा तो बाप आँख देख लगो क्या तुम देखा कौन सा जानता है बढ़िया बढ़िया जाने कबीर पंथी जाने नारदी वाला जाने बेदंग पर गावे सुना तो कैसा है भजन तुमको कबीर साहब को कबीर साहब वाला सुन लो बाबा तारी दारू गंग जला तारी दारू गंग जला ताही पखारो रंग सो दहिया दिन बल भए तरादी के सब सन रे बेहुदा प्रेम से बोलिए वृंदावन दुआरी लाल की रे ये चौपाई कवि साहब कैसे लिखा है कि संत सरोवर अगम जला ताही पखा रहो अंग ये देहिया नित्य निर्मल भय साधु की सत्संग तो कहा हम अच्छा अच्छा भजन जानते तुमसे ज्यादा फिरंगा फिरंगा नारदी वाला जाने छे एक नंबर सुनाओ तो मिर्जानिया पर वाला कहियो सुनाओ तो अगर की पतर की बेहुदा कहिका बोलता है नारदी भजन एक नंबर मृदंग पे गाता है गोरकी पतरकी के हमारे गुवर बाजिया ये भजन है कि पलम परदेसी फिल्म का गाना है गोर बाबा जी छे तुम चेला बनेगा कि तू हमको नाश करेगा तो बाबा जी छोकरी छो हम सरदार बाबा जी करगर बाबा जी सरदार बाबा जी बेहुदा कहे सरदार बाबा जी है ये भजन तुम तो गाया था साथ में नहीं रहेगा तुम जाओ यहाँ से नहीं तोरा जन्म हमारा नहीं पोसा तो बेहुदा कहेगा मेरा तपस्या भी भंग कर देगा दू बेर मनलो घटा लग गई हो बेर हमारा वह बात कहे तुम उल्टा पुल्टा गाता है तो तुम भजन गाता है साधु महात्मा बीरी पिता है जाओ पागल कौन बाबा तेरी बाबा ए दुनिया रो भैया हो भैया आओ जानला बेजा ए दुनिया रो भैया देवता यो जानला Thank you.
आज क्या मैं इस जंगल में क्या देख रहा हूं? एक बाबा अपने तपस्या में लिंग है, मैं उस बाबा को शरण में अवश्य जाऊंगा। हे महरानी भुला। हाँ महाराज। चलो आज बाबा की शरण में जाकर सारा दुख के हाल बताऊंगा। हाँ महाराज चलो। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव, बताओ कहाँ की रहने वाले हो, क्या पिता का नाम है, क्या तेरा नाम है? बाबा मेरा घर राजमोहपा पड़ता है। क्या राजमोहपा? पिता के नाम बिजासन सिंह कहलाता है। अच्छा। माँ के नाम रानी दिवला, बड़े भाई का नाम अमरपति आल्हा सरदार, भाभी का नाम सोना सुकुमार, मेरा नाम जंगली रुदल पड़ता है बाबा। अच्छा, ये दोनों? ये मेहरानी फूला है, पत्नी है, और बेटा अमरजीत इसका नाम है बाबा, ये मेरा पुत्र है। रुदल सम्राट, मैं जानता हूं बाबा राज का सारा लीला। इस महाराज में पारस पत्थर पूजा होता है, लोहा सिकाने से सोना बन जाता है, फूला जैसे सती पति बढ़ता नारी। भला बताओ उस महाराज में कमी क्या जो तुम एक भिखारी की तरह दर दर की ठोकरे खा रहे हैं? बाबा राज महबा में मैं दो भैयारी कहलाता था। एक दिन की बात है, दोनों गोपनी में लड़ाई हो गया और इसी ने बोल दिया तुम्हारे राज में इस राजमोहबा में कोई हक हिस्सा नहीं है। तो मैंने जमीन की सारी खेतरा खेसरा और रसीद देखा तो बड़े दादा अमरपति आल्हा सरदार के नाम से राजमोहबा था। तो मैंने तीनों पुराने राजमोहबा खाली करके जा रहा हूँ बाबा। बाबा आप अपनी शरण में लगा लीजिए बाबा। रुदल, जानते हो कि तुम्हारे नाम सुनकर धरती कांप उठती है, आसमान थर्रा उठती है, बाघ सिंह सदुल भाग जाता है। जिस जंगल में तुम जाते हो वो जंगल में जीव खाले कर देता है। लगा लाए बाबा जी।
ऐ जंगीरू दाला रुदल। यहाँ लाखों जीव इस बन बबरी में रहता है, तुम्हारे नाम सुनेगा तो सारा जीव जंतु जितना है बाघ सिंह सदुल सारा जंगल खाली करके वह भी भिखारी की तरह बौखना शुरू कर देगा। मुझे पाप लिखेगा, मुझे प्राचित लिखेगा, इसलिए तुम्हें इस जंगल में बिलवा कर नहीं रखूंगा। ठीक है बाबा, आगे चला जाओ, सबसे बंद जंगल है, वहाँ कोई जीव जंतु नहीं रहता है। बाघ सिंह वहाँ जो तपस्या करता है वही लोग वहाँ तपसीबन जंगल में रहता है। ठीक है बाबा, मैं उसी जंगल चला जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें अगर इसमें बिलवा कर रखता हूँ तो सारे जीव जंतु मुझे श्राप देगा, मुझे प्राचित लिखेगा। ठीक है बाबा, क्योंकि तुम्हारे डर से धरती कांपती है, देवी देवता भाग जाता है, जीव जंतु को कौन पूछता है। इसलिए रुदल, तुम्हें मैं इस जंगल में बिलवा कर नहीं रखूंगा, आगे तपसीबन जंगल है, वहां चले जाओ तपस्या करो। मेहरानी फुला। हाँ प्रणाम बाबा। मेहरानी फुला। हाँ चलो, आगे की जंगल तपसी बन कहलाता है, चलो तेनो प्राणी उसी जंगल में किसी तरह जीवन बिताएंगे। ठीक है चलो। आए चला 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 हे प्यारा हे तपसी बन जंगल Yeah.
हेलो मैजेस्टी, हेलो 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 आहो सुमरन करिए भैया शिव शंकर का दरबार में कोई शौर सिपाही नजर नहीं आता है। प्रणाम महाराज। खैर सुनवा दूसरा क्या वस्तु है? रोकना रोकना बत्तू नहीं क्या बात है? क्या बात है? इसलिए बुलाए हैं तुम्हें, ये रात दरबार है। हाँ राज दरबार है। यह गाय का गुहाल है? नहीं राज दरबार है। भादो तुमको हम कितना मानते हैं? कितना मानते हैं? देखो भादो हम तुम्हें
कितना प्यार करते हैं। प्यार? हाँ, कौन सी का प्यार? अरे सुनो तो सही, अरे इधर आओ, क्या हुआ? प्यार करेगा। अरे क्या हुआ तुम्हें? लखा नहीं देता है, मर्दबा है तो प्यार करता है। पागल है? कोई बात हो जाएगा फंसाइए देगा। अरे बात सुनो, अलग अलग से बात कर। तुम्हें पता नहीं है राजा और एक प्रजा के बीच राजा होता है पिता की सम्मान, अच्छा। और प्रजा जो होता है वह पुत्र की सम्मान, बच्चे की सम्मान होता है। तो बच्चों को प्यार देना, प्यार करना कौन सा कानून लिखा है गलत है रे? वह है प्यार दागा चल का खराबी कर देता है। कैसे? प्यार नहीं करना चाहे, सीख लेता है वो। प्यार सीख लेता है? आज सीखेगा नहीं। अरे बर बार कहली बाबू बड़ा समझली, सुनता है जी अजी। अरे बदल बोलिए महाराज। आज मैं सिंहासन आसन है रे आ बैठे वाला प्रिया है तुम्हें। बड़ा खराब आदमी है। खराब नहीं, क्या खराब है रे? लथाई चलाता है। ये लथाई है? आबो को नहीं। क्या कहा? बैठा को ना। अरे या बताओ आवक ने बैठा को नहीं, इसका मतलब क्या होता है? हमें समझाओ। समझदार आदमी भलिया, हमारे को पढ़ल लिखल भलिए और हम मूर्ख है। हाँ तो कल बैठिया को ना, ऐसे भूला करो। हम लोग वैसे कैसे कहा जाता है पता है तुम्हें? मेरी घर घर पर वाला भाषा है, घर पर की भाषा है ना, घर वाली के बीच की। घर वाली किस तरह तुम्हें कहती है वही तुम्हें रियाज बना दे रे। देह में सटले न चल आवे तो बना दिया करो। कुत्ता का नाम तो कुत्ता हो, कुत्ता हो ले 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 हम दुआर पर थे जेते पर करका कुत्ता बनना। करका कुत्ता? हाँ काट लेते तो बीख चढ़ते रहते मीठा से। कैसे? 9 महीना तक बड़ा बिखास है। वाह भाई वाह, अपने भट से उतरियो नहीं जाए छे। उतर भी जाता है? अच्छा चलो उस खतरे से बचा कर रख लो। आइए बैठिए। एक इच्छा मालिक ये बड़ी फांस है ए। हाँ ना अलगे रख, इसे तुम देखना चाहते हो? ना ना अलगे रख, दिखा दूं? नहीं कतिल देखे वो ठंडा। लेकिन एक सवाल है, जब ये निकलता है हाँ तो कुछ करके ही वापस इसमें जाता है? नहीं ना वहाँ रह ले मालिक। दाता जी
आज तुम्हें एक काम करना होगा। कौन काम करना होगा? ये 14 कोस का राज है। यहाँ 14 कोस का है। ये सुमलगढ़ की जितने सीमा से है। यहाँ सुमलगढ़ है। इतना ही नहीं, ये काम रखिला क्षत्रिय हो या क्षत्रोणी, इस सारे राज्य में चल करके तुम्हें ढोना देना होगा और कहना होगा कि महाराज सुरमल सिंह सुरमलगढ़ की मेला अति धूमधाम से लगा रहे हैं। जो छात्री छात्राणी उस मेला को देखा नहीं तो सोच लो अपनी माँ की ओर में बंद है। हम सिपाही न है राज का। हाँ है। और चमार वाला काम करते हैं करे ला। सुनो, नौकरी की जगह हाँ किधर गया रे? बने है ड्यूटी को समय जो भी महाराज की आज्ञा हो पालन कर, उसे पालन करना चाहिए। अच्छा समझ गया तू? हाँ हाँ पालन कर। मालिक है नगरी में उठा हो। पालन नहीं पर्व बाकी है, पालन करनी चाहिए। अच्छा करंगा। करेगा नहीं बोलने का प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा सीखा नहीं अभी तक? अच्छा देना है। चलो आ क्या गोपाल, आ क्या गोपाल। अच्छा कौन बेटा का राज में नौकरी ले लिए? क्या बक रहा है रे? सुरमलगढ़ का राजा प्रजा माल मम से गाय भैंस लाल। तेरा दिमाग खराब हो गया बेहूदा कहीं का? बड़ा दिमाग खराब है रे। जाल माल को थोड़ी कहना है, कह दिया लालटेन क्या होता है? जाएगा दुकान लेकर अनहारे में रहेगा। इसके लिए तो लेटर देखते हो ना, सारी व्यवस्था लगा हुआ है। ये मकरी बताया जाएगा तब? रे मकरी बताएगा तो तेल कभी डीजल कभी पड़ेगा तभी तो। अच्छा चल, तो हमारा मालिक सुरमलगढ़ में मेला लगाने के लिए जा रहा है। जितना भी दुकानदार भाई है सब अपना अपना कटघारा दुकान लेकर के आइए, मेला मालिक के तरफ से बत्तू फ्री रहे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाथों से छूटी देते महाराज लाइट गिर पड़ते। अरे बत्ती ने हम कहा था कि गोदी को कहा था बत्ती बत्ती फ्री रहेगा, किसी दुकानदार को एक पैसा नहीं लिया जाएगा। बोलो बत्ती बत्तू बत्ती 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 नहीं बत्ती बत्ती। हाँ मैंने पैसा नहीं लगेगा। पैसा नहीं लगेगा? दोनों दुकान में फुटानिस खाए लगे चल जाएगा। अबे कभी फुटानिस नहीं खाओगे, दुकानदार है तो पैसा देना ही पड़ेगा ना। अच्छा फ्री कौन सी होगा? मेरे मेला की ओर जो कमीशन बनता है ना, हाँ इसका मैं फ्री कर दूंगा। हाँ तो मेरा मालिक को तरफ से कोई कमीशन नहीं लगेगा, बत्ती फ्री रहेगा। जितना भी दुकानदार भाई है सब आदमी सांझ को खोलिए और भोर को बंद करिए। 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगा। 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहेगा। जरा फिर ना बंद रे दुकान शुरू सो जाएगा तो कैसे कोई खाएगा? अच्छा आप पैसा लाइए। कितना बना रे? आए ढलहा वाला इधर आओ। आ गया। ओ नौकरी करते हैं तो दरमहा लेते हैं। बिल्कुल आए ढलहा वाला वो भर टाइम वाला हुआ पैसा, ये पैसा अलग से लाइए। या बता तुम
अरे ये क्या कर रहा है रे? ना हम समझे, हम अपना घर पर है। तू अपना घर पर है, महाराज की घर है। पैसा लाइए ना। कैठो रुपया हुआ? रुपया तो हो गया, बहुत तरह पर चढ़ ले जाता है। क्या कहा? चढ़ ले जाता है। हमको पर चढ़ा जा रहा है। दरमाहा वाला भी बाकी है ना। अब परसों ले गया, सो खर्च हो गया। अब परसों ले गया, दो दिन के चढ़ ले ना। महीने की वेतन हम तुम्हें देते हैं। अच्छा आई अखन भला वाला पैसा। 24 घंटा तुम्हारा ड्यूटी है इस राज दरबार में, है ना? चमार वाला नहीं, चमार की बातें नहीं करना चाहिए। ड्यूटी को समय में जो भी कार्य आएगा वह तुम्हारे लिए है, उसे तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब चमार ढोल बजना छोड़ के मुखिया सरपंच बने लग ले। मालिक मुझे तो पूछो मत पूछे, लेकिन क्यों ना पूछू? आप कहो पता प्रणाम मुखिया जी सरपंच है। पंचायत को सरकार हो जाएगा, जनता तो करना ही चाहिए। ठीक है तो हम चले अंदर, अंदर जाइए और तुम ड्यूटी में। अच्छा हम देखे हुए अखिला रे सूर बालो ई बाबू आये सुना बे अजी पापरे हमा ड्यूटी बना दे रे फूला रे जाबरे देउही सिंह राज मोहब्बत त्याग कर दूसरे देश चल गया, फिर भी मेरा भाई था, हम नहीं ठुकरा कर भगा, उन्हें अपने आप कबूल करके ही जिसको नाम से ही राज मोहब्बत होगा वो ही रहेगा, और जिसको नाम से नहीं रहेगा राज मोहब्बत वो राज मोहब्बत से निकल पड़ेगा यहाँ से। कैसे हूँ था तो मेरा भाई था, नगर मोहब्बत
मत